बताओ, आ जाए नहीं दोरा? नहीं यार, ठीक है ठीक है सारे दिन ठीक है यार। और करना भी क्या, गर्मी बहुत है। अक्षु तो बड़ा खुश लग रहा है, मामू घर आ गया है। ठीक है ठीक है भाई, मामू के घर आने की फीलिंग अलग होती है। नहीं राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शंकर। दोस्तों, नए दिन नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर, और आज मैं हूँ अक्षु के मामू के घर। तो क्लिप आपने देखी ली, और सबसे पहले तो आपको मैं भाई का रूम दिखाता हूँ। यार भाई का रूम देखो यार, खतरनाक वाला बनाया हुआ भाई ने, खुद ही आर्टिस्ट बने हुए भाई। खतरनाक ट्रिपी टाइप फील दे रहा है ये कमरा भाई का। यो यस मैन, हार्ड है, हार्ड है भाई। देखो भाई की क्रिएटिविटी, भाई ने कोड्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, खतरनाक है, ट्रिपी है पूरा ये फील। क्यों अक्षु भाई, खतरनाक कमरा बनाया हुआ भाई ने, ट्रिपी फील रखा है कमरे का, हार्ड है। बहुत अच्छा रूम है भाई का, देख ही लिया आपने। थोड़ी देर पहले ना हम ये पैकिंग करवा के लेके आए थे स्पेशल अपने भाई के लिए, और अभी इसी को खाने की तैयारी है। चलो भाई, अब तो मैं तो चौमिन नहीं खाने हैं, वो नहीं खाने हैं स्प्रिंग रोल। अंगूर की बेल लगी हुई है यार अपने लोकेलिटी में, आफ्टर लॉन्ग टाइम अंगूर की बेल देखी है। काफ़ी टाइम हो गया देखा ही नहीं। मीठे हैं? मीठे हैं नहीं? सही है बॉस। तो मैंने देखा ही नहीं, हमारे वहाँ पे होते नहीं किसी ने भी लगाए हुए, बड़े दिनों बाद, बड़े सालों बाद देखी है। आज से 5 साल पहले देखी थी मैंने अपने मौसी के घर में, उसके बाद नहीं देखी। चेक करवा बोला। मीठे हैं यार, अब मज़ेदार है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 और शाम के टाइम पे अंगूर खाए और आपको भी दिखाए थे। एंड अभी मंदिर में आए यार, यहाँ पे देख सकते हो भोलेनाथ जी के मंदिर बैठे हुए, यहाँ पे आशीर्वाद लेने आए थे। तो ये आप भी देखो शिवलिंग भोलेनाथ जी को, और ये रही इनकी मूर्ति। अरे अक्षु के मामू के घर के पास ही है मंदिर, बिल्कुल गेट के पास ही। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि बिल्कुल घर के पास मंदिर, अच्छा रहता है यार, मतलब बंदा आशीर्वाद लेने कहीं भी जा सकता है। तो अभी, और ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, तो इस ब्लॉग और अगले दिन के ब्लॉग को मैं इकट्ठा ही एक ही ब्लॉग में डालूंगा। और देखो ये पास में ये सामने आपके मामू का घर है, और ये देखो अपने बांके बिहारी जी, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है बंदे ने यार, मज़ा आ गया देख के। और ये हमारे भगवान के चरण कमल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग अगले दिन कर रहा हूँ यार, अभी खाना वगैरह खाया है और जाने की तैयारियों में, रेडी वगैरह हो ली है, नहा नू ली है, अभी बस घर ही जाना है। अभी कुछ एक स्कूटी पे काम भी करवाना है, कुछ लेदर वगैरह डलवाने हैं भाई को, तो वो करवाएंगे एंड उसके बाद निकल जाएंगे घर। तो अभी बस शूज वगैरह डालने को रहे हैं बाकी। तो यार अभी जाने का टाइम हो गया है, तो चलो यार चले फिर। चलो भाई, स्कूटी के लेदर डलवाने थे यार, डलवा लिए हैं, अभी निकलते हैं ना, अभी ब्रेक ब्रूक ओके होगी होगी। अक्षत भाई बिलिंग वगैरह करवा रहे हैं, जब वो हो जाएगी फिर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे रुके हैं यार, शिकंजी पियेंगे, पानी, नींबू पानी। यार एक लॉन्ग ड्राइव के बाद अभी हम अपने एरिया में पहुँच गए हैं, यहाँ से घर लगभग 4 किलोमीटर और छाया में रुके हैं, तो टांगे वगैरह सीधी कर देंगे और साथ में कोल्ड ड्रिंक पियेंगे यार, ब्रूखर मार्केट से लेके आए हैं, वही वही पियेंगे जब 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे घर। घर जाके वही एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, कल भी मेरा एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद थोड़ी छुट्टियां हैं 1 हफ्ते की, तो उनकी तैयारी तो आराम से होगी। इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी यार, क्योंकि पिछला एग्ज़ाम भी थोड़ा ऐसे ही हुआ है, बाकी देखते हैं जो भी होता है। मिलते हैं आपसे घर ही जाके सीधे। तो मित्रों अपने घर के पास पहुँच गया हूँ, लोकेशन देख के लग गया आना पता। हाँ जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, पढ़ाई पढ़ू भी करेंगे।